चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। फिलहाल नाइद के साथ जो भी हो रहा गलत हो रहा है, काम तो करे तो ना आज तक तो अगर उन्होंने पब्लिक के लिए कुछ किया है तो जनता में क्या होगा, जनता में तो रोष हो गई। सरकार डराना चाहती है, डरा के ही लोगों को दबा के ही काम निकालना चाहती है। शीशे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है। जिला शामली में कैराना विधानसभा सीट पर आज हम है, जहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि पिछले 10 महीनों से यहाँ के जो विधायक हैं नाहिद हसन जी वो जेल में हैं, और अभी अभी उनको पिछले कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरनगर जेल से चित्रकूट जेल में शिफ्ट किया गया है। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है, लोगों का क्या कहना है, उनकी राय क्या है। हमारे साथ गाँव के लोग कुछ मौजूद है, उनसे बात करें। जी नमस्कार जी, आपका क्या है? अनिरुद्ध चौहान। चौहान साहब, अभी अभी आपके जो क्षेत्रीय विधायक है नाहिद हसन जी, उनको चित्रकूट भेज दिया गया है जेल में, क्या कारण आपको नजर आते हैं? जब विधायक जी गिरफ्तार करे, गिरफ्तारी तो उन्होंने अपने आप ही दी थी, तो जब उन्हें ले जाने लगे उन्हें गाड़ी में बैठते एक बात कही थी, अगर मैं योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ, तो रुलाने की कोशिश कर रही होगी सरकार की डाल विधायक जी को रुलाया जाए। और इतना सही है, सीधी सीधी उनकी गेल कटती से लोग बैरा लिए, लोग उन पर जो तो ये मामला है, सरकार डराना चाहती है, डरा के ही लोगों को दबा के ही काम निकालना चाहती है। जब से नाहिद जेल में है उनकी बहन काफ़ी चीज़ें संभाल रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन तोड़ने का भी काम? हाँ, वही असल में इकरा जो है मिलन चली जा रही थी नाहिद हसन से, पाँचवें छठे दिन चौथे दिन जब भी जरूरत पड़े थी मैं वहाँ तो गाइड करो जहाँ थे कि भाई कर करो काम, वो वहाँ भेज के गाइडलाइन थोड़ी तोड़ लेंगे। कुछ चीज़ खून में हो, जैसे मैं किसान हूँ, मैं आधार कार्ड की जरूरत थोड़ी है कि सीखने की, ऑटोमेटिक आ जाएगी मेरे पास आधार कार्ड नहीं, या कोई बड़ा ही है अपने आप मराना का सुन लियो, जिसका जो काम है उन्हें अपने आप कर लगाओ। इनके खून में चली गई ये चीज़, बाबा बाबा एमपी रहा, फिर बापू एमपी रहा, फिर माँ एमपी रही, ये भी कराएगी मैदान में। लेकिन क्षेत्र में किस तरह का काम है उनका? जेल से ही वो चुनाव जीते, क्षेत्र में काम है जी, तो जीतते इन्हें पूरा आंगन लगाए रखा करने पर, करने में अमित शाह जी आए, योगी जी आए, वह मोदी जी ने आ पाए, इन्हें पूरा आंगन लगाए रखा है जीतने के नाम का, फिर भी जीत पाए और अंगा लगाए तो उन्होंने करने में जताओगे, इवन ठंड बयान देंगे, मंदिर मस्जिद को बोलेंगे, पहलवानी में ना तो इनमें तो कोई सा मंदिर में जाता ना मस्जिद में जाता ना इन्हें मंदिर मस्जिद का कुछ लेना देना, बस काम का जबैन करो जहाँ खड़े हुए सोचा जो सारा देश तेरे बाप का देश है, इन्हें जो से आज देश में बैठ गए ना कब्जा करके, इन्होंने देश के नाम का अपना एक कतरा भी नहीं रखा खून का। जनता में क्या डर का माहौल है विधायक जी जेल में है? जनता किसी से कोई डरते नहीं, जनता निष्पक्ष है, अंदर से दिल से तप ले गया है कि एक प्रतिनिधि जिसका दादा एमपी रहा हो, जिसकी माँ एमपी दो बार रही हो, जिसका बाप जो है लंदन तक उसका नाम हो गया हो, गिनीज बुक में उसका नाम है, और जो जेल में रहकर विधायक बन गया, दो बार बाहर विधायक बन गया, अगर उन्होंने पब्लिक के लिए कुछ किया है तो जनता में क्या होगा, जनता में तो रोष हो गई उनके पर, बताओ। अब सरकार की तरह सही है, जिसको चाहे अंदर भेज दो, जिसको चाहे बाहर लगा दो, जिसके चाहे मकान फुटवा दो, लोग बहुत लोग ना जाए मकान पुटन लगे। अब पब्लिक यहाँ अमित शाह जी आए, यहाँ से पब्लिक तो उनके साथ थी ना, किसके साथ, अब वो गृहमंत्री कोई कम तो होता है देश का, अब लोगों ने उनसे प्यार है, काम करते हैं वो जमीन स्तर पर, अब वो जेल चला गया क्या होगा, आवाज़ थोड़ी दब जाओगे, ये तो पब्लिक की आवाज़ है, उनकी बहन को जिता देंगे लोग आगे, उनकी बहन अच्छा काम कर रही है, अच्छी है, फील्ड में रहती है, सबके काम देखती है, सबके करती है। कोरोना काल में, कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने ऐसे नहीं, अब जो है मुसलमानों की मुझे मदद की है, हम साथ थे, और जो है उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को जो है मदद पहुंचाई, विधायक जी ने, उसकी बहन ने, उसकी माता जी ने बहुत हिंदुओं की मदद करी है, बहुत के यहाँ राशन गया है, शादी भी करवाई है लोगों की। क्या नाम बड़े मियाँ, क्या नाम आपका? क्या लग रहा है आप यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को ठीक है जी, चित्रकूट भेज दिया गया है जेल में, उन पर कई आपराधिक मामले थे, इतनी दूर भेजने का क्या कारण नजर आता है जी? देखो सरकार को छोड़ा है जी, ये आप वहाँ भेज दो, इन्हें ऐसा काम तो करे तो ना आज तक तो जी, अच्छा काम किया था जी उन्होंने तो, क्षेत्र में काम किया है जी? हाँ जी, क्षेत्र में बढ़िया काम कर रखा जी, उसकी बात ने भी बढ़िया काम कर रही जी। आसिफ साहब, क्या लगता है अभी अभी नाहिद साहब को जेल में शिफ्ट कर दिया गया है चित्रकूट में, इतनी दूर ले जाने का क्या, उसके पीछे क्या कारण? सरकार की तानाशाही चल रही इस टाइम, सरकार जो है वो कर सकती है भाई, फिलहाल नाहिद के साथ जो भी हो रहा गलत हो रहा है, जनता की आवाज़ उठाने वाले विधायक है, इस क्षेत्र में बहुत विकास करवाया उन्हें,
और उनकी बैंड भी उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है फिलहाल, लेकिन सरकार उनके ज़्यादा दबाव दे रही है उनका, गलत बात है ऐसी सरकार के होते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हम कैराना विधानसभा सीट के भूरा गांव में थे, जहां पर हम लोगों ने यहां के जनता से बात की और जानने की कोशिश की चौधरी नाहिद हसन को लेकर लोगों की क्या राय है। जुड़े रहे सीसे से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।